Jesus. जो अभी अभी ज्वाइन कर रहे हैं ठीक है, अपना नाम लिखते जाइए चैट बॉक्स में। तो बच्चों आपको व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है? नो सर। अब दिखाई दे रहा है? नो सर। यस सर, यस सर। चलो बच्चों, आपने अभी तक क्या पढ़ा है बताओ जरा, कोई मेरे को एक क्या पढ़ा है आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में? माइक बेटा ने म्यूट करके बोलिए। आपको मेरी आवाज आ रही है? विविष्का चौहान, क्या क्या पढ़ लिया बेटा आपने? बताइए क्या क्या पढ़ लिया? सर हमने क्वाड्रेंट्स पढ़े। अरे युविष्का से पूछ रहा हूँ मैं, क्या क्या पढ़ लिया उसने? कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबने पढ़ ली? यस सर।
चलो ठीक है। विविष्का चौहान, मैं आपसे पूछ रहा हूँ बेटा, पढ़ लिया आपने? विराज, अच्छा चलिए बताइए, किस चीज का जो डायग्राम बनाया है सामने, किस चीज का है, क्या चीज है? ग्राफ है। इसको क्या बोलते हैं, इसका क्या नाम है बेटा? इसका ग्राफ तो है, क्या कहते हैं इसको? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो बेटा ठीक है, इसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं इसको? कार्टेशियन प्लेन, ठीक है ना? कार्टेशियन प्लेन प्लेन मैथमेटिशियन रेने डेकार्ट के नाम पे, उनके ऑनर में इसका नाम दिया गया है। उन्होंने पहली बार इस थ्योरी को बनाया था। तो देखो ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है, पेपर में आपको ग्राफ पेपर मिलता है, ऐसे आपको मिलता है, ठीक है। तो कार्टेशियन प्लेन है ये, तो इस एक्सिस को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एक्स एक्सिस। इस वाले एक्सिस को क्या कहते हैं? वाई एक्सिस। और ये जो एक्स एक्सिस का, अच्छा, और इसे क्या कहते हैं जो यहाँ पे दोनों एक्सिस मीट कर रही हैं, इसको क्या कहते हैं? ओरिजिन। ओरिजिन, ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन से राइट हैंड साइड एक्स एक्सिस क्या होती है, पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव होती है? ठीक है, ये देखो पॉजिटिव होती है, ठीक है। ओरिजिन से लेफ्ट साइड एक्सिस क्या होती है बेटा? नेगेटिव होती है, ठीक है, इसकी वैल्यू माइनस में होती है। अच्छा, ये वाई एक्सिस ओरिजिन से अगर हम ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव होती है? पॉजिटिव, पॉजिटिव। और ओरिजिन से जब नीचे जाते हैं तो नेगेटिव, नेगेटिव। चलो उतना तो आता है, ठीक है, अच्छी बात है, आपको आता है, नेगेटिव है। अच्छा अब ये देखो, एक कोऑर्डिनेट कैसा दिखता है, देखो ये होता है हमारा कोऑर्डिनेट, ये जनरल फॉर्म है, ठीक है। एक तरह से ये स्पेस में किसी भी पॉइंट का एड्रेस है, ठीक है, स्पेस 2D स्पेस में, ठीक है, ये पॉइंट का एड्रेस होता है, जैसे आपके घर का एड्रेस होता है ना, ये पॉइंट का एड्रेस है, ठीक है, ठीक है, ये पॉइंट का एड्रेस होता है जिसे हम पॉइंट लोकेट करते हैं किसी भी ग्राफ पर। तो अब आप मेरे को ये बताओ, जो ये एक्स है इसको हम क्या कहते हैं, इसका कोई नाम होता है यहाँ पे? कोऑर्डिनेट पॉइंट, कोऑर्डिनेट है, इसको कहते हैं एप्सिसा, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ऑर्डिनेट, इसको कहते हैं एप्सिसा, ठीक है, ये एप्सिसा है, ये ऑर्डिनेट है। चलिए ये भी आपको बहुत अच्छे से आता है, तो मतलब सबने अच्छे से पढ़ाई कर ली है ना, बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है। अच्छा अब ये बताओ, ये जो क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट का नाम क्या होता है? इस फोर क्वाड्रेंट्स हैं, देखो जो कोऑर्डिनेट प्लेन होता है ना, कार्टेशियन प्लेन होता है, फोर क्वाड्रेंट्स में डिवाइडेड होता है। क्वाड्रेंट मतलब चौथाई, वन फोर्थ, फोर हिस्सों में बांटा हुआ है ना, हमने देखो इस प्लेन को,
तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में नोटिस करो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में नोटिस करो, जो एक्स एक्सिस है वो तो पॉजिटिव है, और ये देखो वाई एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में नोटिस करो, एक्स एक्सिस देखो नेगेटिव है, ये देखो नेगेटिव है ना, तो ये एक्स वाला पार्ट नेगेटिव होता है, और देखो वाई एक्सिस पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स वाला पार्ट भी देखो, एक्स वाला पार्ट भी नेगेटिव है और वाई वाला पार्ट भी नेगेटिव है, तो दोनों जो वैल्यूज होती हैं दोनों नेगेटिव होती हैं। और फोर्थ वाले पार्ट में देखिए क्या होता है, एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, और वाई देखिए नेगेटिव है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा क्वाड्रेंट में। ठीक है, एब्सिसा कब पॉजिटिव नेगेटिव होता है, ऑर्डिनेट कब पॉजिटिव नेगेटिव होता है, समझ में आया? ठीक है, अब ये देखिए कोई भी जो पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है यहां पे, जैसे ये वाला पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों? ये आपको मैंने पढ़ाया था एट्थ में, क्या होगा बेटा इसका पॉइंट बताओ, कोऑर्डिनेट क्या होगा? 1.1 है ना, 1.1। ठीक है, मैं यहां पे एक पॉइंट बनाऊंगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 5, 1.5। वेरी गुड, 1.5। पहले x आएगा फिर y आएगा, है ना, एबीसीडी में पहले x आता है फिर बाद में y आता है ना, एबीसीडी में वैसे इसमें भी ऐसे ही है, x आएगा पहले फिर y आएगा। ठीक है, पहले x एब्सिसा आएगा फिर y ऑर्डिनेट आएगा। ठीक है, दोनों में यही हो रहा है। चलो, आप सबको बहुत अच्छे से आता है। अब जो हम एक सवाल करेंगे, ठीक है, इस वाले जो आज का जो क्लास हो रही है इसमें हम थोड़े सवाल डिस्कस करेंगे और आज इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे पूरी तरीके से। तो ये पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स डज नॉट लाई इन एनी क्वाड्रेंट। बोल रहा है कि इनमें से कौन सा जो पॉइंट है वो किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं आता है। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना सबको? सी और सी। देखो पहले हम क्या करेंगे, जिसको भी दिक्कत आ रही है इसमें, पहले हम इनको पॉइंट कर लेंगे, सॉरी प्लॉट कर लेंगे इसको। ठीक है, तो पहला पॉइंट दिया हुआ है 3, -6। 3, -6 दिया हुआ है, दैट मींस एक्स वाला पार्ट जो है वो 3 है। ठीक है ना, 3, -6 एक्स जो है 3 है और वाई क्या है 6 है, -6 है। माइनस में वाई एक्सिस में हम नीचे जाएंगे, देखो -6 यहां होगा। किसी को दिख रहा है जो मैं लिख रहा हूं या नहीं दिख रहा? Yes, sir. बहुत छोटा हो गया मेरे ख्याल से। तो ये देखो -6 है ये। ठीक है, तो देखिए यहां से हमें ये 3 आएगा, यहां से 3 आएगा, ये जाएगा हमारा पॉइंट हो जाएगा। इस वाले पे बनाते हैं बेटा ये ग्राफ पेपर। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ पे -6 है, तो ये देखो मैं प्लॉट कर देता हूँ, ये हो जाएगा हमारा 3, -6। अच्छा, ये पहला पॉइंट हो गया। ये तो देखो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, 3, -6 कौन से क्वाड्रेंट में आया? फोर्थ में आ रहा ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा ये, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, -3, -4 एक्स जो है देखो माइनस है, तो एक्स देखो नेगेटिव इस साइड होता है, एक्स पॉजिटिव इस साइड होता है ना, वाई पॉजिटिव इस साइड होता है, नेगेटिव साइड होता है, तो -3, -4 एक्स जो है नेगेटिव है, -3 ये रहा, बट 4 पॉजिटिव है, तो हम 4 इधर जाएंगे। देखिए
तो ये हो जाएगा माइनस 3.4। ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? ये सेकंड में आ गया, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। सी देखिए क्या दिया हुआ है, 5.7। एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो एक्स और वाई दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, तो ये देखिए आ गया 5.7। सबको दिखाई दे रहा है? यस सर। 5.7 ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? फर्स्ट में। लास्ट वाला पॉइंट देखिए 0.3। एक्स 0 है, ठीक है, वाई 3 है। एक्स एब्सिसा 0 है और ऑर्डिनेट 3 है। देखिए एक्स तो देखो 0 ओरिजिन पे होता है इस वाले केस में, और ये देखो 3, तो 0.3 देखो यहां आएगा, 0.3 यहां आएगा। ठीक है, तो ये देखो किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं है, ये एक्सिस पे है, ठीक है, ये वाई एक्सिस पे है पॉइंट, ये क्वाड्रेंट में नहीं है, ये वाई एक्सिस पे है, ठीक है, नॉट इन एनी क्वाड्रेंट। तो इसका आंसर क्या आएगा? 0.3। ये पॉइंट देखिए, पढ़िए जरा इस क्वेश्चन को। द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज 3 एंड विच लाइज ऑन वाई एक्सिस इज ऑर्डिनेट, एब्सिसा ऑर्डिनेट पढ़ लिया ना आपने, एब्सिसा ऑर्डिनेट। तो कह रहा है एक पॉइंट है जिसका ऑर्डिनेट हमें 3 दिया हुआ है, जिसका ऑर्डिनेट हमें 3 दिया हुआ है, कह रहा है, और जो y एक्सिस पे लाई करता है, y एक्सिस पे लाई करता है। तो बच्चों देखो, है ना, कौन सा? बी। जब भी कोई पॉइंट y एक्सिस पे लाई करेगा ना, तो उसका ऑर्डिनेट जो, सॉरी, एब्सिसा पार्ट है ना, जब भी कोई पॉइंट y एक्सिस पे लाई करेगा ना, तो उसका जो एब्सिसा होगा वो हमेशा 0 होगा, हमेशा 0 होगा। देखो y एक्सिस है, देखो ये y एक्सिस है हमारी पॉजिटिव वाली, ठीक है, पूरी y एक्सिस है। तो देखो ये कह रहा है इसका जो ऑर्डिनेट 3 है और y एक्सिस पे है, तो ये पॉइंट आएगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0.3। तो ये इसका सही आंसर है। ये क्वेश्चन देखिए, द पॉइंट एट विच द टू कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट इज कॉल्ड, देवराज क्या होगा इसका आंसर? देवराज क्या होगा इसका आंसर? क्या? ऑर्डिनेट। तेज बोलो देवराज थोड़ा। ऑरिजिन होता है बेटा, ऑर्डिनेट नहीं होता। अभी बताया ना, जहां पे ये दोनों एक्सिस होती हैं, ठीक है, ये देखो ये एक्स एक्सिस है, दिख रहा है जो मैं लिख रहा हूं, और ये वाई एक्सिस है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ठीक है, यस सर। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये देखो दोनों इंटरसेक्ट होती हैं कहां पे? ओरिजिन पे। ये यहां पे मीट करती हैं, इसको हमने बताया था मैंने शुरू शुरू में, ये ओरिजिन पे मीट करती हैं, ठीक है, यहां पे देखो ये रहा ओरिजिन, ये रहा ओरिजिन, ओरिजिन पे मीट करती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ओरिजिन, ठीक है, दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस यहां पे मीट करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है, एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज पॉजिटिव इन, एब्सिसा कह रहा है, एब्सिसा जो है पॉजिटिव होता है, किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? एब्सिसा माने क्या होता है? एक्स, है ना, एक्स जो है पॉजिटिव रखना है हमें। एक्स देखिए यहां पॉजिटिव होता है एक्स, और यहां माइनस एक्स होता है, यहां पे प्लस वाई होता है, यहां पर नीचे माइनस वाई होता है। तो ये देखिए किन किन क्वाड्रेंट में जो एब्सिसा है पॉजिटिव होगा, बताओ।
फर्स्ट में देखिए, इसमें x जो है पॉजिटिव होता है और ये फोर्थ वाले है ना, फर्स्ट एंड फोर्थ में पॉजिटिव रहेगा। तो कौन सा है सही ऑप्शन है? बी 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 सही ऑप्शन है, बिल्कुल बिल्कुल बी। सबको आ गया तो यस। देखिए आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ए ठीक है 3.4 फ्रॉम वाई एक्सिस इज, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल रहा है, पूछ रहा है वाई एक्सिस से कितना होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पॉइंट देखिए, जब भी आपको ऐसे सवाल पूछा जाएगा तो पहले आप प्लॉट करेंगे ठीक है। देखिए ए कॉम 3.4 एक्स 3 है वाई 4 है, दोनों पॉजिटिव हैं ठीक है, तो दोनों पॉजिटिव एक्सिस पे आएंगे, तो एक्स जो है 3 है और वाई जो है 4 है, ये दोनों पॉइंट यहां आ जाए ठीक है, ये पॉइंट आएगा 3.4 यहां पे। तो ये पूछ रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितनी होगी, सॉरी वाई एक्सिस से कितनी होगी। देखो ये है वाई एक्सिस, ये है पूरी वाई एक्सिस ठीक है, इससे ये दूरी कितनी है बच्चों बताओ मेरे को। 3 यूनिट्स है, 3 यूनिट्स, वेरी गुड 3 यूनिट्स। ये वाला क्वेश्चन देखिए, इफ द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज जीरो देन द पॉइंट ऑलवेज लाइज, कहां पे लाई करता है। तो देखिए ये कोऑर्डिनेट है, इसमें जो वाई कोऑर्ड ठीक है वाई कोऑर्डिनेट है वो हमेशा जीरो है, वाई कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो है ठीक है, मगर ये जो एक्स है वो नॉन जीरो हो सकता है। तो पूछ रहा है कौन सी एक्सिस पे लाई करता है, एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट होते हैं ना सबका वाई देखिए जीरो होता है, वाई जो ऑर्डिनेट है जीरो होता है। ये देखिए 1.0 होता है, ये 2 है ये 2.0 है, ये 3 है ये 3.0 है, जो 4 है ये 4.0 है, ये 5 जो है ये 5.0 है ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे ना जो वाई ऑर्डिनेट होता है वो जीरो होता है। यहाँ पे देखो ये -3.0 है, यहाँ पे ये -5.0 है, एक्स एक्सिस पे वाई जो होता है जीरो होता है। तो इसका सही आंसर क्या है, डी बी बी इज द राइट आंसर। अच्छा अभी पूछ रहा है, ये भी देखो बहुत सिंपल, द ऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज, ऑर्डिनेट यानी वाई वाला जो पार्ट है एक्स एक्सिस पे क्या होता है हमेशा, अभी मैंने बताया हमेशा जीरो होता है। देखो ये सारे पॉइंट्स देखो एक्स एक्सिस पे हैं और ये सारे जो वाई पार्ट है देखो सारा का सारा जो ये वाई पार्ट है देखो सब वाई ऑर्डिनेट जो है सारा का सारा जीरो है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा सी जीरो। अच्छा बच्चों ये बताइए, द पॉइंट विच लाइज ऑन द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस इज, बोल रहा है एक ऐसा पॉइंट ठीक है जो वाई एक्सिस पे लाई करता है, जीरो माइनस फाइव देखिए बिल्कुल पॉइंट जो है देखिए इसी वाई
वाई एक्सिस पे ही रहेगा, 0.5। मगर कह रहा है 5 यूनिट्स इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई। देखिए वाई जो होता है यहाँ पॉजिटिव होता है और यहाँ नेगेटिव होता है। देखिए नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे तो ये पॉइंट देखिए यहाँ आएगा 5 पे, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, -5। सही आंसर है 0, -5। अच्छा अब ये पॉइंट देखिए, पॉइंट -7, 0 ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, पूछ रहा है कहाँ लाई करते हैं, ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स, ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, इन द थर्ड क्वाड्रेंट, इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। देखिए बच्चों पहले एक चीज नोट कर लीजिए, ठीक है, अगर एब्सिसा जीरो हो जाता है ठीक है तब भी ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं आएगा, अगर कोऑर्डिनेट जीरो हो जाता है तब भी ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं आएगा, तो ये हमेशा किसी न किसी एक्सिस पे आएगा। ठीक है अभी कौन आया, ये जैफा शेख, अब बड़ी लेट आए हो आप, आया गया। ठीक है क्वाड्रेंट में तो कभी नहीं आएगा अगर एक एब्सिसा या ऑर्डिनेट जीरो हो जाता है तो, ठीक है कभी नहीं आएगा, तो या तो देखो ये एक्स एक्सिस पे, सर ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स कॉमन सेंस है, ठीक है -7 है दैट मींस माइनस साइड में आएगा, ये -7, 0 आएगा इसका आंसर, तो ये नेगेटिव साइड होती है ना, सॉरी देख दिया मैंने, नेगेटिव साइड होती है ना एक्स एक्सिस की, तो यहाँ पे आएगा ना ये -7, 0, तो इसका सही आंसर है ए, ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। अच्छा अभी देखिए एक पॉइंट दिया हुआ है 0, -8, ये भी पूछ रहा है कौन से, देख अभी मैंने आपको क्या बताया एब्सिसा या ऑर्डिनेट में से कोई भी अगर एक जीरो हो जाए तो वो पॉइंट कभी भी क्वाड्रेंट में नहीं आता, वो एक्सिस पे ही आएगा किसी ना किसी, तो पहले दो ऑप्शंस तो वैसे ही चले जाएंगे है ना, तो बताइए कहाँ लाई करेगा ये 0, -8, वाई एक्सिस, ठीक है। अच्छा ये बता दो पॉजिटिव साइड में करेगा कि नेगेटिव साइड में करेगा, पॉजिटिव साइड में करेगा कि नेगेटिव साइड में करेगा, नेगेटिव। वेरी गुड, देखो ये रहा -8 तो इसका नेगेटिव कोऑर्डिनेट होगा 0, -8, तो ये वाई एक्सिस, ये तो बहुत इजी था, तो सबको लगभग समझ में आ गया ना ये कोऑर्डिनेट सिस्टम, सबको आ गया। देखिए यस सर, अब ये पूछ रहा है कि पॉइंट्स दिए हुए हैं कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, इसको आप चाहो तो देखो बिना प्लॉट करे कर सकते हो, बिना प्लॉट करे कर सकते हो, फोर्थ क्वाड्रेंट, देखो इसको बिना आप प्लॉट करे कर सकते हो, देखो जब भी कोई देखो पॉइंट सेम, देखो नंबर ऑफ पॉइंट्स सेम क्वाड्रेंट में है, जैसे देखो ये सारे पॉइंट्स सेम क्वाड्रेंट में है, तो जो इनके इनके जो अंदर एब्सिसा ऑर्डिनेट लिखे हैं उन सबके साइन देखो सेम होते हैं ना, ये पॉइंट आप कहीं भी बनाओ सबके देखो साइन क्या होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव हो जाता है ये पॉजिटिव हो जाता है, चाहे ये पॉइंट कहीं पर भी हो, चाहे यहां हो यहां हो यहां हो यहां हो, ठीक है साइन सबका सेम रहेगा एब्सिसा का और ऑर्डिनेट का, एब्सिसा नेगेटिव रहेगा ऑर्डिनेट पॉजिटिव रहेगा, तो देखो आप इनसे बता सकते हो कि कौन से जो दो पॉइंट्स हैं सेम क्वाड्रेंट में रहेंगे, फॉर एग्जांपल देखो इन दोनों पॉइंट्स में, इन दोनों पॉइंट्स में ऑर्डिनेट नेगेटिव है एब्सिसा पॉजिटिव है, तो ये दोनों सेम क्वाड्रेंट में होंगे। ठीक है अब ये देखिए ये थर्ड वाला पॉइंट है, इसमें एब्सिसा भी नेगेटिव है और ऑर्डिनेट भी नेगेटिव है, तो ये अलग क्वाड्रेंट में होगा। अब ये वाला देखिए सवाल, ये जो आखिरी वाला पॉइंट है इसमें एब्सिसा पॉजिटिव है ऑर्डिनेट नेगेटिव है, ठीक है तो ये दोनों पॉइंट अलग क्वाड्रेंट में होंगे, ये वाला पॉइंट अलग क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है और जो लास्ट वाला पॉइंट है ये अलग क्वाड्रेंट में होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, बी
डी डी सारे के सारे अलग अलग क्वाड्रेंट में, ठीक है, सिर्फ दो जो है एक साथ एक क्वाड्रेंट में, और आप इनको प्लॉट करके भी कर सकते हो, मगर सबसे फास्ट तरीका है कि आप साइन देखो इनके, अगर साइन अलग अलग है ना तो आप डायरेक्ट कह सकते हो कि वो दोनों सेम क्वाड्रेंट में नहीं है। चलिए अब ये पॉइंट देखिए दे रहा है माइनस फाइव कॉमा थ्री एंड थ्री कॉमा माइनस फाइव। पहले तो इनको हम प्लॉट कर लेंगे, माइनस थ्री कॉमा माइनस फाइव कॉमा थ्री कहाँ आएगा, एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है, फाइव माइनस कॉमा थ्री देखो इधर सेकेंड पॉइंट में देखिए थ्री कॉमा माइनस फाइव है, थ्री पॉजिटिव है एक्स नेगेटिव है, तो एक्स सॉरी एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है, देखिए थ्री कॉमा माइनस फाइव, थ्री कॉमा माइनस फाइव आएगा यहाँ पे, थ्री कॉमा माइनस फाइव आ गया यहाँ पे, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो फाइव कॉमा थ्री सेकेंड में है और थ्री कॉमा फाइव जो है वो फोर्थ में है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ऑप्शन देखो क्या है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी जो है सही आंसर है। तो आज इतना ही करते हैं, ठीक है, कल से फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है, ठीक है, चलिए। Yes, सबने अपना नाम लिख दिया ना चैट बॉक्स में, यस सर, यस सर, बच्चों अब एग्जिट करिए, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, थैंक यू सर।